नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी के खुर्जा में एक वृद्ध को ताबड़तोड़ गोली मारकर सिर्फ इसलिए निर्मम हत्या कर दी क्योंकि उसके बेटे ने दूसरी जाति की लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था। पूरी घटना बुलंदशहर जिले के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र कालिंदी कुंज की है, जहां एक वृद्ध को बाइक सवार दो बदमाशों ने एक के बाद एक करीब चार गोलियां मारी। घटना में घायल हुए वृद्ध को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। घटना स्थल पर पहुंचे एसएसपी ने मृतक के पत्नी से पूछताछ की तो बताया, चार व्यक्ति बाइक पर सवार होकर उसके घर के पास आए और घर के बाहर खड़े उसके पति को गोलियों से भून डाला। इतना ही नहीं, बदमाशों ने वृद्ध को उठाकर घर से थोड़ी दूर झाड़ियों में फेंक दिया और आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वही इस गोलीकांड में परिवार में दहशत का माहौल है। पीसी बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। सर, खुर्जा क्षेत्र में आज गोली मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया, क्या पूरा घटनाक्रम है इसका? ये नेत्रपाल, उम्र लगभग 65 वर्ष, तो सिंचाई विभाग में सुपरवाइजर का काम करते थे, रिटायर्ड पर्सन है, 65 साल के आसपास इनकी उम्र थी। और इनका एक बेटा है जिसका नाम पिन है, जो ICICI बैंक हरियाणा में नौकरी करता है। उसने अभी पिछले महीने प्रेम विवाह किया था एक लड़की के साथ। लड़की भी 25 वर्ष की है, पढ़ी लिखी लड़की है। और 3 दिन पहले वो लड़की इनके घर आई है, घर वाले शादी के विरोध में थे। और आज शाम के समय लगभग 6:30 बजे के आसपास जो नेत्रपाल की बहू है, नई बहू जो घर में आई है, उसके पिता दामोदर, भाई आकाश, चाचा रामेश्वर दयाल और रणवीर, ये चार लोग घर पहुंचे हैं। जबकि आज दिन में एक दो बार इन लोगों ने फ़ोन किया था और कहा था कि हम शादी से सहमत हैं और अब कोई बात नहीं है, तो घर वालों को इस तरह से झांसा दे रहे थे। शाम को आने के बाद इन्होंने नेत्रपाल के ऊपर फायरिंग की, जिससे नेत्रपाल गोली लगने से घायल हो गए, हॉस्पिटल ले जाए गए, जहाँ उनकी डेथ हो गई। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में मौके पर भ्रमण करने, परिवारजनों से बातचीत करने के बाद ये बात निकल के आई है कि चौकी प्रभारी संतोष मिश्रा और उस चौकी के सिपाही तेजवीर की भूमिका इस प्रकरण में ठीक नहीं थी। उन्हें पीड़ित परिवार ने जानकारी दी थी कि उनके साथ कोई हादसा हो सकता है, इसके बावजूद इनके स्तर से इसमें अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी की क्या भूमिका रही है, इस संबंध में अलग से जांच SP अपराध की यहाँ कराई जाएगी। सर, शुरुआती जांच में पता चल सका है कितनी गोलियां चली थी? कितनी? लगभग 3 गोलियां लगने की बात बताई गई है, शेष चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्राप्त होंगी। फिलहाल हम अभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और इस पूरे प्रकरण में चौकी प्रभारी की शिथिल कार्य प्रणाली और उनके साथ जो कांस्टेबल रहता है तेजवीर, इसकी भूमिका अच्छी नहीं पाई गई, जिस कारण से इन्हें निलंबित करके जांच कराई जाएगी।